बता रीप क्यों लगवाई फिर पहले लग रही फिर न्यू क्यों कर माली बात है पंडित जी फिर जोड़े 15 साल हो गए पंडित ने पूछ मैं तू नहीं फिर न्यू क्यों कर पंडित जी ने पूछना सारे समर्सिबल चल रहा है सारा सब के कौन सा घर है जिसमें समर्सिबल नहीं है कौन सा घर है जिसमें समर्सिबल नहीं चलते तड़की 5 बजे पानी आवे 7 बजे तक चल रहा है सारी तो माटी किसी बाहर आने तो माटी गहरी नहीं जोड़ा मैं गहरी तो तमने हमारे तो जमीन नहीं कुछ भी नहीं जोड़ा एरे तो तमने है पानी इच्छा करो माले यार सबके घर समर्सिबल है कुछ नहीं कोई नहीं लेके जाऊंगा डंगर ना जोड़ पे समर्सिबल सब मैं बताऊंगा ब्राह्मण जाति से संबंध रखता हूँ 10% समर्सिबल दिखा दो आप चालो देखो और यू भी पंचायत की या भी अपनी वाह जिसका लाए थे वो दूसरे पानी भर देते इतनी बड़ी गाड़ा उड़े तोड़े लगे एक नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत के वाह चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और सर्वे का दौर जारी है और अभी पहुंचे हैं पानीपत के जो रेरकला गांव है और यहां पर लोगों से पूछेंगे कि सरकार से कितने खुश हैं कितने नाराज हैं, पिछली सरकारें अच्छी थी या मौजूदा सरकार अच्छी है और आने वाले समय में मुख्यमंत्री किसको देखते हैं और प्रधानमंत्री किसको देखते हैं। राम राम। क्या कुछ देखते हैं इस सरकार को आपका क्या नजरिया कहता है और पिछली सरकारों को आप क्या कहते हैं? हमने क्या कहना है, बढ़िया सरकार है, बढ़िया चल रही है। कोई इसके जो 5 काम अच्छे गिनवा दो तो सरकार ने काफी अच्छे कर जिससे आम आदमी तक देखो देश जिसकी पार्टी है हमें भी पता है हमने अपने काम का मतलब होया अगर हम बाहर क्यों उसमें यह सब तो बढ़िया बात कही काम के 5 काम गिनवा दो जो भाजपा पार्टी ना अच्छे जो बता मैंने तो 5 की मैं 50 गिनवा दूं मैं गिनवाओ फिर ये देखिए सारे ये देखिए ये देख भाई सारे भाई राज्य में बैठे आपने पता लगा दिया गिनवा बैठे पिछला सरपंच वकील था उसने बनाया अपने भाई ने लिया अपने कार्यकर्ता ने उसने बना रखा उसमें सरकार करता है वकील वाली यूनियन ने बना गाँव में पैसा यूनियन एक मिनट पैसा किसका था वो तो देख ग्राम पंचायत यहाँ यूनियन कौन यूनियन ग्राम पंचायत का पैसा वो लगन लग रहा है उस यूनियन पर जाकर पानी पर पता कर सकते हो आप। अच्छा, जिसके अंदर में वकील थे जो भी थे एक डॉक्टर हमारे गांव में रहता था पंडित जी के नाम था उसको ओम प्रकाश उसका लड़का था एक बाले सेठ का लड़का था हमारे गांव का ही बढ़िया था। अच्छा चलो तो की बात है लो बताओ सरकार अच्छी है के बुंडी बड़ी अच्छी सरकार है लड़की लावा हर पब्लिक का रस पी रहा कौन सा अध्यक्ष के तो सॉरी जानता भी नहीं मिलता साहब रखे अपना ही बढ़ावा है। अच्छा लड़की खट्टर साहब सुनता उठ दियो मुख्यमंत्री नहीं है मुख्यमंत्री है फिर की हरियाणा की दूध घी का ही तो खाना। हाँ ठीक बात को अगला जन्म पिछले मुख्यमंत्री रवि की दूध खा रहा है कुछ नहीं हुए तो डांट को आएंगे उनने नहीं खाया कुछ भी वह तो चार लोगों का तो जूस पी गए फिर की नहीं लाया उन्होंने मुछा गए एक तो खूबिया बात की सरकार की हमारे हरियाणा की शान के लिए खट्टर साहब सवेरे उठ कर मुछा का घी जरूर लावे बाकी और भाई तुझे तय चला जा 1.5 किलोमीटर रेड पुल से लेकर मुलख तक
इतने खड़े हैं कार नहीं दिखती उसमें ट्रक की चोटी चोटी आला है वो 10 साल हो लिए तेरा नहीं क्या यार लोगों का रश काट रहे वीडियो बना और मर गए कई दिन तो गाड़ी दस रहे सब जो ना कई कई दिन तो गाड़ी दस रहे अच्छा और बैटरी बैटरी ले के जिम काट है एक तो यू विकास सब था बड़ा नंबर दो 9 साल से करनाल से मुकलोट जो बस ठीक सब बस कारे गांव की छोटी छोटी लोग भाई जो कर रहे हो बस तो चल रहा है भाई इतना सपने में दिखा भाई अच्छा चलती हुई नीचाली रोड पर नहीं है वो सुपने में जैसे इनकी योजनाएं कागजा में ना वैसे ही लोग हमें सुपने में दिखे क्यों करें के कह अंदाजा नंबर दो हमारे गांव में बच्चियां जो स्कूल में कॉलेज में जाती हैं उनकी एक बरसाती है लेगी चली गई उसके बाद जो आस पास स्कूल में जाती है सब लटक के जाओ लटक का यूं विकास है इतना बढ़िया विकास है किसकी फिर लो बताओ किसके सरकार अनुवाओगे सरकार वोट किसकी दोगे आप वोट किसकी दोगे मैं वोट दूंगा कांग्रेस को कांग्रेस ने गणे बढ़िया काम कर रखे बढ़िया न्याय करे तो ते ये मुए मारे को आ गया अगले मारे को आ फिर ये तो आम आदमी सारे पिसदार होगा उसका कद काम होगा उड़न सुन 75 साल हो लिया आम आदमी कद नहीं पिसया और आगे नहीं भी पिसेगा क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो ये सारे मसेरे भाई ये बढ़िया बढ़िया अपने कोई बढ़ावा प्लान और फिर पब्लिक में फेंक अच्छा एक बात बताओ सरकार की तो अच्छी गुंडी चलती रहोगी पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिली थी उसमें कुछ भी मिला उसके नहीं मिली थी वो सही तो धैनी जवान उनके उससे मोदी सरकार आई थी इतनी खुल गई अगला प्लान होगा नहीं कोई भी कैंडिडेट आइयो संजय मांगे आइयो या और आइयो भाजपा की आग खुल देंगे कितनी वोट मिलेगी अच्छा मेरे को है भले ही चाहे आम आदमी को मिली हो पुलवामा की बात कर दी 40 जवान उनके पहला है जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ऊपर ही बात आना है और मेरे को है भाई मन जब वो हमला होया था मन मोदी तक बात की मोदी तक गया था कि भाई इसमें गलती मारी दी है कुछ तो नहीं गया और कुछ हो जा जब तक बात करनी होगी बात कर लेंगे क्या कहोगे भाई दबंगी जी इसकी चल जाओ तो नहीं करेगा चाहे सत्यपाल हो उसकी जगह चाहे मैं ऊँचा अच्छा जिसकी दबंगी चालेगी वो चुप कर देगा ये भी 50 साल मैं सारी बात न जानू गहराई तक जानू फिर इसमें मारा उठता कुछ नहीं हम कह देंगे कुछ नहीं है ना तो कुछ हूँ जाना जाना है कुछ नहीं कहना जी भी एक उसकी राज्यपाल की ये नहीं बात सुनी गई तो हम पब्लिक की सुन लेंगे अच्छा चलो आप तो को नहीं मिले भाई साहब संजय भाटिया लोकसभा सांसद करनाल लोकसभा से भाजपा सीट के वो उम्मीदवार थे जीते हैं जानते हो आप मिले हम तो नहीं मिले बंदे संजय भाटिया उस दिन तक आज तक इस रेर में शिकल दिखाई मरे पे जामने पे किसी भी शादी में साबित देते इस चीज का सबसे काम कह कर जी वो आकर न्यू कहे भाई मेरी सुनो जी भी ये नहीं सुन दे फिर वो क्यों सुनने लग गए इनकी कोई भी आया हो बता किसकी तुमने कभी सुनी हो तुम उनकी नहीं सुनते बता अरविंद शर्मा था हर महीने में एक बार आता था सांसद तो था कैसे कैसे अरविंद शर्मा हर महीने में एक बार आता हर पुल बना के ये वाद विवाद तो चलता रहेगा और बातचीत कर रहा है
सरकार कांग्रेस अच्छी है और ठीक है सरकार अरे भाजपा भी ठीक है इनका कौन सा खाद लाए इनका कौन सा खाद लाए ये भी ठीक है अपनी जगह पर सारे ये ठीक करना में करेंगे ये आचेंगे वो करेंगे वे आचेंगे सरकार तो बदल चली गई ये बताओ ये इस टाइम के कारनामे किसकी बढ़िया है जो आपने को जो नाम बढ़िया अगर बढ़िया था तो चल रहे लगे ये बार ये इलेक्शन आ गया आपने देखेंगे ये बार ये सुना कुछ नहीं अरे तंग पकड़ भाई ले जा बताया यू कुछ है सरकार कौन सी अच्छी है कांग्रेस आवाज अरे मेरा है हम ना के मेरा भाई कांग्रेस देखिए कहीं दूर है मर्द है सही बता इतने महंगे ले लिए उससे पहले भी कांग्रेस की भी सरकार तो कुल मिला के जब यहाँ पर सर्वे के लिए आए तो यहाँ पर तर्क वितर्क हुआ आपस में कहा सुनी हुई लेकिन एक विचारधारा के तौर पर पर्सनली यहाँ पे भाईचारा काफी ज्यादा देखने को मिला और अब ये समय ही बताएगा कि आने वाले समय में जो मौजूदा सरकार अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं या और कोई पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और नहीं बनती भाई कोई भी उरा और नहीं बनती अरे उरा नहीं जो बनाओ भाई खट्टर की जगह कोई पीएम आ गया तो पंजाब में भी तो बीजेपी आएगी फिर के झंडे काट दिए बताऊं मैं नुकरा आतंक के फैलिया नुकरा आतंकी फैलिया और केजरीवाल ने दिल्ली में के कर लिया था के कर लिया नुकरा आतंकी फैलाया उड़ा नुकरा बदलाव हो गया बदलाव नीचे है हमने तो जो चल रहा है ना बहुत बढ़िया है मेरी बात सुनो खट्टर में लाओगे खट्टर तो आंदा नहीं खट्टर इलेक्शन ही नहीं लड़ता यार मेरे दोनों दो चार का मैं काम है मैं बता दूंगा हाँ जरूर करेंगे हमारे आड़े का हो जाए बेहतर रहेगा भी आगे टेंशन ना काम की जिम्मेवारी यू काम नहीं लेंदा हम अपने अपने काम में हमारे सीएम कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो अपने अपने अच्छा किसी के भरोसे को नहीं अपने दम पर चला यू काम अच्छा ठीक है और दोबारा आवेगी तो बीजेपी है ऊपर मोदी आवेगा नीचे आ जाएगा तेरा जो कांग्रेस कांग्रेस का तो वो झंडा साफ हो रहा कांग्रेस कांग्रेस बता देना किंग है मेरी सुन बात हाँ बीजेपी में किसने रखोगे मुख्यमंत्री अंबाड़ा वाले ना के नाम अनिल विज अनिल विज हाँ बस वही पड़ेगा पक्की बात है हाँ बन लिया अब उनको रिटायर हो लिया कोई बात नहीं उनका भी रिटायर हो गया हमारे का नहीं धनी होया बीज ने पुरुषा बचा रहे ना लगाइया कि लाइन दे दिया वो भी डंडा रोटा भाई डंडे रोटे ने घर की ममता नहीं होती देश की ममता की करोगी इन डंडे ने यू देश जड़ दिया पहला लगाएगी गाय कर दी कि मैं खाली कदी उड्डा तो मिले हो कदी खट्टर तो मिले हो या और कुछ मुख्यमंत्री तो मिले हो कदी बातचीत हुई हो कदी कोई सा ठीक लग गया हो
1966 में हरियाणा बनया मेरी बात कोई कोई मुख्यमंत्री बढ़िया लग गया कि भाई लग गया ओम प्रकाश तोड़ाला टाइप का बाप था देवीला ओमड़िया लग गया आगे कोई असेंबली बंसीलाल चौधरी था ओमड़िया था और ये तो संत टालो तू सीएम तो कदम मार नहीं रहा है हम काग में जाम जा हां तो और इतना जो ये काम हो रहे